हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सोनी वर्मा। तो देखिए दोस्तों, इसमें शीट्स गिर रहे होंगे हमारी ये क्या कहते हैं बेल में। तो इसके अंदर देखिए कितने अच्छे मॉर्निंग ग्लोरी के फ्लावर्स निकले हैं। और यही समय है शीट से लगाने का या पौध लाने का। तो चलिए आज हम देखते हैं कौन सा काम करते हैं अपने गार्डन में। तो दोस्तों देखिए, अब हमारा गुड़हल का मौसम जा रहा है और अब ये देखिए इसमें फूल ज़्यादा निकल नहीं रहे हैं। और अब हमें इसकी ब्रांच को कट कर देनी चाहिए, नहीं तो इसमें पेस्टिसाइड्स लग जाएंगे छोटे छोटे जो होते हैं ब्लैक कलर के। और जो है हम इसे अगले साल के लिए बचा के रखना है मुझे, तो मैं इसे यहाँ से प्रून कर दूँगी, ये देखिए नीचे से, और पूरी ब्रांच इधर की हटा दूँगी, क्योंकि नीचे से जो है छोटे छोटे बेबी प्लांट्स इसके निकलते रहते हैं। तो हमें जितना हो सके पुरानी वाली ब्रांचें जो हैं उसे प्रून कर देनी है, और जितनी भी ख़राब ब्रांच हो गई है उसे हटा के इस तरह से हमें हटा देना है, और नीचे की सूखी पत्तियां हटा के। और मैंने तो पॉली बैग में लगाया है, आप गुड़ाई कर सकते हैं अगर गमले में लगा है। गुड़ाई करके इसे इसकी मिट्टी को थोड़ी सी पोली कर लीजिए, और आप चाहे तो हल्की हल्की इस पर खाद भी डाल सकते हैं। ये देखिए मिट्टी इस तरह से पोली हो जाएगी, और आप चाहे तो इसके अंदर थोड़ी थोड़ी कंपोस्ट ऐसे डाल दीजिए। और ये देखिए, ये भी मेरा एक प्लांट है, अभी इसमें भी फ्लावर्स आने बंद हो चुके हैं, तो इसे भी मैं नीचे से यहाँ से प्रून कर दूँगी। ये देखिए, तो इसमें नीचे जो है बेबी प्लांट्स हमारे निकलते रहेंगे, ये देखिए। और ये हमारे जितने भी हमने ब्रांच काटी है उसमें जो है उसे जो है हम फेंकेंगे नहीं, उसे कंपोस्ट में यूज़ कर लेंगे गमले के नीचे भरने के लिए। तो ये देखिए, ये जितनी भी सूखी ब्रांच है, पुरानी ब्रांच जो है वो सूख चुकी है, उन्हें हटा देना है। ये देखिए, जैसे ये है, ये वाली है, तो इसे भी हमें ऐसे हटा देना है। और ये देखिए छोटे छोटे बेबी प्लांट्स नीचे से निकलते ही रहते हैं, और इसे भी हम थोड़ी सी गुड़ाई करके इसमें आप चाहे तो खाद डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, मिट्टी को थोड़ी सी ऐसे पोली कर लीजिए। और ये मैंने इसमें लगाया रखा है, ये कंटेनर था मेरा पुराना वाला, इसमें ये देखिए ये बना दिया है। तो इसी तरह हमारे गार्डन की सजावट भी हो जाती है, और हम जो है सुंदर सुंदर फूल इसमें लगा सकते हैं। सुंदर सुंदर फूल कह रहे हैं, प्लांट्स जो है इसमें हम लगा सकते हैं। तो इसी तरह दोस्तों, आपके जितने भी गुलदाउदी के प्लांट्स जो हैं फूल देना बंद कर दिया है या फूल सूख चुके हैं, तो उन्हें तुरंत कट कर दीजिए, वरना जो है इसमें कीड़े लगने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से तो थोड़ा नीचे से साफ़ कर दीजिए जो पुरानी पत्तियां या सूखी लीव्स। तो दोस्तों ज़्यादातर मैंने पॉलीबैग का ही यूज़ कर रखा है, क्योंकि टेरेस गार्डन है, ऊपर से ज़्यादा गमलों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। भैया जो गार्डनिंग करनी है तो भैया मैं अपना शौक ऐसे ही पूरा करती हूँ। और ये देखिए, इसमें भी इक्का दुक्का ही फ्लावर है, वो भी छोटे, इसका साइज़ जो है अब धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, और धूप भी तेज़ हो रही है। मौसम कभी कभार है थोड़ा बहुत बदलता है, फिर उसके बाद फिर वैसा हो जाता है, क्योंकि ये तेज़ धूप कहाँ बर्दाश्त कर पाते हैं, गुलदाउदी तो हमारी जो है। और ये देखिए, ये देखिए छोटे छोटे ब्लैक कलर के, ये देखिए गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आने शुरू हो गए, अनचाहे मेहमान तो भैया बिना बुलाए चले आते हैं। ये देखिए, तो इन सबको हमें इसी तरह हटा देना है। इससे भी मैं प्रून कर दूंगी, इसमें भी फ्लावर्स ख़त्म हो गए हैं। इसमें लाइट पिंक कलर के, बेबी पिंक कलर के फ्लावर्स इस तरह से आते हैं। तो और पेस्टिसाइड जो बनाना है वो मैं घर का ही बना रही हूँ, और इसमें डालती हूँ जब मैं तैयार करूँगी, तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो मुझे तो ये सारी ब्रांच हटा देनी है। अब मेरे अगले साल के लिए अब इसकी कटिंग्स जो है बारिश के मौसम में लगाई जाएगी।
थोड़ी दोस्तों मिट्टी इसकी पोली कर लीजिए, क्योंकि मिट्टी जाम रहेगी थोड़ी सी तो प्लांट्स जो है ख़राब हो सकते हैं। और पानी तो खैर डालना ही डालना है, वो भी देख के, और इसे शेडी एरिया में रख देना है। ये प्लांट्स जो है अब गर्मी के मौसम में जो है हमें इसे शेडी एरिया में रखना है अगर इसे बचाना है। तो मेरे ये सारे प्लांट्स जो हैं गुलदाउदी के जो हैं, ये लमसम 4 साल से चल रहे हैं, और इसकी कटिंग लगा लगा के मैं बारिश में तैयार करती हूँ, और विंटर सीज़न में मुझे फ्लावर्स मिलते रहते हैं इसके। और कई जातियाँ तो बदलती रहती हैं, कभी रेड कलर के फूल इतने से आते हैं, और अगर मैंने सिंगल पैटर्न वाला मतलब सिंगल प्लांट अगर किसी पॉलीबैग में लगा दिया है, तो अगर सिर्फ सिंगल प्लांट अगर मैंने पॉलीबैग में लगा दिया है तो उसको पोषण मिलता रहता है ज़्यादा, और प्लांट्स तो लगे नहीं रहते, सिंगल वही प्लांट्स होता है तो इतने बड़े बड़े रेड कलर के फूल निकलते हैं। मैंने सोचा कि ये वैरायटी तो मैं कभी लेकर नहीं आई हूँ, लेकिन फिर बाद में पता लगा कि हाँ मैंने इसे सिंगल लगाया है, वो इसीलिए जो है इतने बड़े बड़े फ्लावर्स। दोस्तों फ्लावर्स भी इसी तरह अपने होते रहते हैं, जितना पोषक तत्व मिलता है तो उसी हिसाब से चलते हैं। और ये तो खैर पम्पम बॉल वाले छोटे से छोटे जो निकलते हैं वो वाले फ्लावर्स हैं, और बाकी जो बड़े फ्लावर्स निकलते हैं वो जो है, क्योंकि दोस्तों अब की बार मैंने थोड़ा सा ये देखे, ये प्लांट्स जो है एक पॉट में जो है पॉलीबैग में मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगा दिए, तो बेचारे पोषक तत्व नहीं पा सके, तो वो फ्लावरिंग छोटी छोटी ही किया है, ज़्यादा बड़ी फ्लावरिंग नहीं किया है। ये देखिए बड़े पत्ते वाले हैं, इसमें बड़े फ्लावर्स निकलते हैं, और ये देखिए ये छोटे पत्ते वाले हैं, ये देखिए ये इसके पत्ते अलग हैं। तो दोस्तों आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड आपको अगर कुछ भी जानना हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मेरा ये छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा क्वेश्चन, और आप जब पूछेंगे तो उससे हमें मोटिवेट, आपके क्वेश्चन हमें मोटिवेट करते हैं, तो इसीलिए जो है बताइएगा ज़रूर।